सो दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत से फेमस घाट हैं, जैसे कि मालसेट घाट, तामिनी घाट, वारंदा घाट, नाने घाट, खंडाला घाट। बट इन्हीं घाटों के बीच में कुछ ऐसे भी घाट हैं जो फेमस नहीं है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं जिन्हें लोग जानते नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसे घाट के पास लेके जाने वाला हूँ जिसका नाम है औपे घाट। सो हे गाइस, मेरा नाम है विदुर, वेलकम टू माई चैनल टेकर फ्रीक। औपे घाट महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर तालुका में है। खोपीवली विलेज औपे घाट का बेस विलेज है, जो कि कल्याण से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। औपे घाट आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कल्याण। कल्याण से आपको मुरबाड़ की बस पकड़नी पड़ेगी। कल्याण से मुरबाड़ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। मुरबाड़ से खोपीवली विलेज जाने के लिए कोई भी बस अवेलेबल नहीं है, तो आपको सबसे पहले शहर टमटम करके मासा विलेज जाना पड़ेगा। मारसा विलेज से आपको शेर टमटम करके खोपीवली विलेज जाना पड़ेगा। औपे घाट आप डेक्कन साइड से रोड से भी जा सकते हो, या फिर कोकण साइड से ट्रैक करके जा सकते हो। बेस विलेज से गोरखगढ़, मच्छिंद्रगढ़ और औपे घाट का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, और इन सुंदर नज़ारों को देखकर औपे घाट ट्रैक की शुरुआत होती है। शुरुआत की थी हमने खोपीवली गांव से। अभी हम लोग थोड़ा चल के आए, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का ट्रैक हो गया है। तो शुरुआत जो ट्रैक की होती है वो गांव से होती है, फिर थोड़े टाइम बाद हम खेत में आते हैं। तो रास्ता जो है पूरा ऑलमोस्ट वेल मार्क है, मैंने एरो भी देखे है 2-3 जगह पे, तो उसका टेंशन मत लीजिए, या गाँव वालों से भी आप पूछ सकते हो। एंड और दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ आपको कि खोपीवली विलेज के पहले जो गांव है वो देहरी विलेज, और उसके पहले नारियोली विलेज। तो नारियोली विलेज जो सिद्धगढ़ का बेस विलेज है, और देहरी विलेज जो है गोरखगढ़ का बेस विलेज है। तो आप चाहते हो ये तीनों ट्रैक एक साथ करना, तो आप दो तीन दिन में आराम से कर सकते हो। भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बहुत से माउंटेन हैं, और औपे घाट उन्हीं में से एक है। हम लोग खोपीवली गांव से ऑलमोस्ट आधा घंटा दूर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक डाइवर्जन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है। तो ये यहाँ से आप जाओगे राइट साइड से तो आप गोरखगढ़ जाओगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से जाओगे तो आप जाओगे औपे घाट। तो हम लोग औपे घाट जा जाओगे। तो गोरखगढ़ का जो बेस विलेज है वो देहरी विलेज है, आपको वहाँ से ट्रैक नहीं करना है तो आप खोपीवली गांव से भी कर सकते हो। तो यहाँ से वो रास्ता है, लेकिन हम लोग औपे घाट जा रहे हैं तो औपे घाट के लिए रास्ता है लेफ्ट साइड, आपको इस वक्त करना है। चलो यहाँ से जाते हैं। अगर आपको रूट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सब इतना ध्यान रखना है, ये जो दिख रहा है आपको खिंड, ये खिंड की ध्यान में रखे आना है। यहाँ से जाना है अपने को खिंड की तरफ, तो इससे आपको रास्ता समझेगा। ठीक है, दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसी जगह जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर स्ट्रीम है, तो ये क्रॉस करके जाना है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि तो क्रॉस करके आना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग घूम के जाने वाले, हम लोग यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे। और मेन बात की अभी बारिश नहीं है बिल्कुल, तो भी इतना ज़्यादा पानी है, और तो बारिश ज़्यादा हो रही है तो सोच सकते हो कितना पानी रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, वहाँ से घूम के जाना है, तो हम लोग भी घूम के जाएंगे। चलो, मानसून के समय औपे घाट ट्रैक करने का फ़ायदा ये है कि हम बहुत सारे वाटरफॉल देख सकते हैं, और वहाँ पर जाके इन्जॉय भी कर सकते हैं। और चाहे तो अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप पानी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसे डायवर्जन पे जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सामने दिख रहा है गोरखगढ़ मच्छिंद्रगढ़, और यहाँ पे दिख रहा है औपे घाट। तो यहाँ से दो रूट गया है, एक गया है इधर पे राइट साइड और एक गया है लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड जो रूट है, लेफ्ट साइड वो जाता है औपे घाट को, ये राइट साइड रूट लो मत लो, ये रॉन्ग रूट है, यहाँ से जाओगे तो आप फंस जाओगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये प्लेटू है, यहाँ पे आप आओगे तो आपको समझेगा। टेक दिस रूट,
ओके। औपे घाट के जंगलों में आपको बहुत सारे एनिमल बर्ड्स दिखाई देंगे। जब कोई घाट बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी एक जिले या तालुका को किसी दूसरे जिले या तालुका से जोड़ दिया जाए। तो औपे घाट भी जो पुणे के जुन्नर तालुका है उसको थाने के मुरबार तालुका से जोड़ने के लिए बनाया गया है। भले ही ये रोड नहीं है जैसे कि मालसेज घाट की तरह, यहाँ से आपको मुरबाट से आपको यहाँ पे जाना है जुन्नर, तो आपको ट्रैक करके आना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम किसी एक तालुके से या जिले से दूसरे तालुके या जिले से जा सकते हैं। ठीक है, आप औपे घाट से भीमाशंकर भी जा सकते हो। उसके लिए आपको 3 से 4 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा और साथ में गाइड होना जरूरी है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। दोस्तों, जब से हमने जंगल रूट लिया है तब से ऑलमोस्ट हमको 1.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम टॉप पे नहीं पहुँचे हैं। और जो रूट है वो सिंगल रूट है, तो आपको कहीं भी लेफ्ट राइट लेना नहीं है और पूरा जंगल रूट है। तो लेकिन अभी भी बहुत टाइम है, ऊपर जाने को ऑलमोस्ट 1/2 घंटा और है। तो अभी चट चट के लग चुकी है पूरी वाट। वेलकम टू औपे घाट। पूरे 3.5 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं औपे घाट के टॉप पे। तो हमको यहाँ तक आने के लिए जो रास्ता था, इनिशियल रूट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप गांव वालों से पूछ सकते हो। एक बार आपको एक रास्ता मिल गया तो आप वो रास्ते को छोड़ना मत, एक ही रास्ता है जो यहाँ तक आता है। और रूट जो है थोड़ा सिंपल है, कहीं ज़्यादा टाइम बहुत लगता है। और अभी हम लोग टॉप पे बहुत कुछ है देखने के लिए, और यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे गांव भी है औपे, वो भी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एक एक करके आपको दिखाते हैं। औपे विलेज पुणे से 135 किलोमीटर, मुंबई से 215 किलोमीटर और नासिक से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, औपे घाट कोई फोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई बुरुज या तटबंदी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक वाटरफॉल देखने मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। औपे प्लेटू इतना बड़ा है कि अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो 3 से 4 घंटे लगेंगे। औपे घाट की ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 3,550 फीट है। औपे घाट के जंगलों में आपको शेकरू यानी कि इंडियन जायंट स्क्वायरल दिखाई देगा। शेकरू जो है वो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाए शेकरू को। आप यहाँ पे आओगे तो शायद आप लक्की होगे तो आप देख पाओगे। आप अगर आप पुणे साइड से आ रहे हो तो आप सीधा अपना खुद का व्हीकल लेके भी आ सकते हो क्योंकि ऊपर पूरा रोड है और यहाँ पे बस भी आती है डायरेक्ट। तो अगर आपको ट्रैक नहीं करना है तो आप पुणे साइड से आ रहे हो तो आप अपना खुद का व्हीकल लेके आ सकते हो। औपे विलेज में विठोबा और रुक्मिणी देवी का एक सुंदर मंदिर है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा।
पर एक गांव है ओके विलेज जैसे मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पे आपको खाना मिल सकता है, पानी मिल सकता है, दुकान निकालने वहाँ पे, तो वहाँ पे आप रहने रहने की भी व्यवस्था हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो स्टे करने का आपको कुछ सुझाव है आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको आए। तो अभी मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।